नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किसान सरकार द्वारा जो किसानों की कर्ज माफ़ी योजना लाई गई है उसमें क्या क्या आता है और उसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं किसान कर्ज माफ़ी योजना 2024। जैसे ही आप डालोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू कर रही हैं। यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना जो है 2024 का एक उद्देश्य है, जो किसानों को ऋण से मुक्ति देता है, जिसमें उन्हें कृषि ऋण पर जो भी उन्होंने ऋण लिया है कृषि के लिए उसके लिए वो 1,00,000 रुपए तक की कर्ज माफ़ी प्रदान की जा रही है। इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों, हम ये देख सकते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना की शुरुआत की है ताकि राज्य के लाखों किसानों के लिए ऋण माफ़ किया जा सके। यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना क्या है? यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जो सरकार द्वारा लिया गया है फैसला। इसमें सरकार ने लगभग 13,00,000 किसानों के लिए कुल 22,000 करोड़ का ऋण माफ़ कर दिया है। इससे वे किसान जीवन में नई उम्मीदें और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और जो किसान के लोन लेकर अपने खेती करते हैं पर खेती कभी कभी बर्बाद हो जाती है किसी भी वजह से, तो उनके लिए ये रखा गया है, उनके कर्ज को माफ़ करने के लिए किसान कर्ज माफ़ी की योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान को उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां से वे अपनी जानकारी भरकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ऋण संबंधी दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र और भूमि संबंधी दस्तावेज को अपलोड वहां पर कर सकते हैं। जो जो आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जाके सबमिट करना होगा। यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना 2024 लेटेस्ट अपडेट क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, 13,00,000 किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए तक का ऋण माफ़ कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना लगभग 2024 के लाभ के पात्रता या मानदंड क्या हैं। तो सबसे पहले छोटे किसान जिनके पास 4-पहिया वाहन, ट्रैक्टर या मोटर कार नहीं होते हैं उनके लिए ये है। 21 वर्ष से अधिक आयु के किसानों के लिए है। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासों के लिए है। पीएम किसान खाद योजना, सॉरी यहाँ पे आप जाके खाद योजना क्या है उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना 2024 में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जो आधिकारिक वेबसाइट आपकी यह है upagriculture.com पर जाएंगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2024 कर्ज माफ़ी योजना के विकल्प पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुन को आ जाएगा। फिर आप अपना नाम, बैंक खाता जानकारी जैसे उसमें मांगी जाएगी वो सारी आपको जानकारी फिल करनी होगी और ज़रूरी दस्तावेज जो भी वहाँ पर मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करना होगा। अंत में आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपको दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? आधार कार्ड आपको लगेगा, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ऋण संबंधी दस्तावेज आपका आ जाएगा, आय प्रमाण पत्र हो जाएगा, भूमि संबंधी दस्तावेज हो जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड KCC ये आपके पास में होना अनिवार्य है। तो आपका किसान कर्ज माफ़ी योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना कर्ज माफ़ करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे और भी अधिक लोगों के साथ पास में ये पहुंच सके और उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।